एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। लास्ट के लेक्चर में हमने आरसीसी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पार्ट वन नाम है इसका। आरसीसी भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम इसका सिलेबस ले रहे हैं। तो मैंने यूनिट फर्स्ट का थ्योरी पार्ट लास्ट के दो लेक्चर्स में समझा दिया था। लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है, WSM मेथड क्या होती है, और फिर लोड कौन कौन से एक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हम तब। फिर उसके बाद डिज़ाइन सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस कौन सी होती है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें बारीकी से जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे मैंने थ्योरी पार्ट में बता दिया था। और एक और चीज़ मैंने ये कही थी कि IS 456 2000 का हमें इसमें बहुत ही यूज़ होगा। हम जो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो हम इसी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी हमको IS 456 लगेगा। तो अब स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप वाइज कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है न्यूमेरिकल के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ RC बीम, यानी कि रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम 23 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर डीप। हमको क्या निकालना है, एक RC बीम दिए हमको जो कि 23 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है और 45 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो इस बीम का हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। द बीम इज रेनफोर्स्ड, दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 416 mm डायमीटर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 4-16, मतलब ये 4 क्या है उसकी नंबर्स है और 16 क्या है डायमीटर है, किसका, बार्स का, जो हम सरिये प्रोवाइड करते हैं ना बीम में, वो सरिये। तो 416 mm बार्स डायमीटर के बार्स प्रोवाइड किए हैं टेंशन जोन में नीचे की तरफ। कंप्रेशन ऊपर की साइड होता है और टेंशन नीचे की साइड होता है, सभी को पता है। द इफेक्टिव कवर टू द रेनफोर्समेंट इज 40 mm, जो उसने कवर प्रोवाइड किया है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कवर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज 415। तो ये सारी चीज़ें हमें उसने दी हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास। ये हो जाएगी हमारी स्टेप वन, इसे हम नाम दे देंगे स्टेप वन। 4 स्टेप्स टोटल है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो गिवन डाटा हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो विड्थ दी है, यानी कि बी, कैपिटल बी, 23 सेंटीमीटर। तो इसको हम mm में चेंज कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 23 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी, 230 mm, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर डीप, यानी कि कैपिटल डी। ओवरऑल डेप्थ हमको दी है कितनी, 45 सेंटीमीटर। तो इसको भी mm में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगी 450 mm। यही होता है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो 23 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। अब उसके बाद उसने दिया है द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 416 mm डायमीटर, मतलब नंबर ऑफ बार्स हमको कितने दिए हैं, नंबर ऑफ बार्स हमको दिए हैं 4, और डाया ऑफ बार कितना है, डायमीटर ऑफ बार्स कितना दिया है, 16। इसको हम पाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, AST से, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST क्या हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ वन बार।
नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार. तो नंबर ऑफ बार्स हमको कितने दिए हैं? 4. और एरिया ऑफ वन बार क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाय 4. यही होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4. पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्या होता है, कैसे होता है? सभी को पता है सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. और अगर हम आर की जगह पे डी रख दें तो आर इक्वल्स टू डी बाई 2 होगा. तो आर का स्क्वायर यानी डी बाई 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 और ये पाई. ठीक है, तो 4 इंटू पाई इंटू डी कितना है हमारे पास, यानी डाया कितना है? 16. ये डी यानी कि 5, ठीक है, अपॉन में 4. तो अब इसे हमको किससे सॉल्व करना है? कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से. तो 4 इंटू शिफ्ट दबा के यहाँ पर आ जाएगा पाई इंटू 16 डिवाइड बाय 4. तो ये हमें मिल गया 50.26 mm स्क्वायर. ये हमको कितना मिल गया? सॉरी, यहाँ पर ये स्क्वायर है इसका, तो इंटू 16 करना पड़ेगा. तो ये मिल जाएगा हमको 804.247 है. देखिए सभी को दिख रहा है कैलकुलेटर, 804.247 है. तो मैं इसको लिख दूंगी 25 mm स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया? AST. और यहाँ पर B और D था, लेकिन लास्ट लेक्चर में जब हमने वो डेरिवेशन सॉल्व किया था तो आपको याद होगा हमने इफेक्टिव डेप्थ का भी जिक्र किया था. तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगी? देखिए क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर दिया है. इफेक्टिव कवर टू रेनफोर्समेंट इज 40 mm. यानी इफेक्टिव कवर कितना दिया है? 40 mm. ये निकल गया बी, ये डी, ये नंबर ऑफ बार्स, ये फाइव, ये निकल गया AST, ये दिया है हमको इफेक्टिव कवर. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या? इफेक्टिव डेप्थ. तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर. तो कैपिटल डी हमारे पास कितना है? दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है 450 है डी, और इफेक्टिव कवर कितना है? क्वेश्चन में दिया है 40. ये दिख रहा है डी सेंटर में, डी दिया है 450 और इफेक्टिव कवर हमको कितना दिया है? 40. तो ये कितना हो जाएगा? 410. इफेक्टिव डेप्थ हमको कितना मिल जाएगा? 410 mm. तो ये तो सारी चीज़ें हमारे पास निकल गई. स्मॉल डी निकल गया, AST निकल गया, और ये गिवन डाटा था. और फाइंड क्या करना है हमको? टू फाइंड MU यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो गई स्टेप नंबर 1. समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, ये हमको क्वेश्चन दिया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हमको गिवन डाटा दिया था यानी कि B दिया था, विड्थ डी थी, डेप्थ डी थी, नंबर ऑफ बार्स दिए थे, डायमीटर ऑफ बार्स दिए थे. तो हमने उससे एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया. एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार. तो हमने AST निकाल लिया. फिर इफेक्टिव कवर दिया था तो हमने इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू निकाल ली. और हमको फाइंड आउट क्या करना था? MU. और दो चीज़ और दी है. देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए सब लोग, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज 415. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है? M20. तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FCK से. तो FCK क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर आप इसको मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं. और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? FY से. तो वो क्या हो जाएगा? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दी है. तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 2 क्या कहती है? कि हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और डेप्थ ऑफ
लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए निकालते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नंबर टू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमको IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो IS कोड में हम जाएंगे पेज नंबर 96 पर। IS कोड में पेज नंबर 96 पर देखिए, ब्लॉक ए, पॉइंट ए दिख रहा है क्या? प्रॉपरली दिख रहा है? डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी होगी तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रिफर पेज नंबर 96 ए, लेकिन किसका? IS कोड का, IS 456 2000। IS कोड का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एग्ज़ाम में भी IS कोड लेके जाना अलाउ रहता है, तो हमको इतना हेडेक हमारा कम हो जाएगा फॉर्मूलेज लर्न करने का, ठीक है। तो चलिए हम ये फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं अभी। तो XU/D इज इक्वल्स टू 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCK/BD। अब ये देखिए B क्या है, अभी हमने निकाला B, इसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। B हमने निकाला, D भी हमने अभी निकाला क्वेश्चन में, दिख रहा है सभी को? फिर FY क्वेश्चन में दिया है 415 न्यूटन पर mm square, और उसके बाद AST, देखिए AST भी हमने निकाल लिया। FCK भी हमको दिया है 20 न्यूटन पर mm square। उसके बाद XU, तो ये XU क्या है? ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो इन डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो XU कितना बचेगा? सिर्फ XU इज इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू। तो इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो XU इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 415 इंटू AST की वैल्यू देखिए कितनी है, 804.25 अपॉन 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 इंटू B कितना है, 230, तो यहाँ पर लिख देंगे 230, ठीक है। ये D और ये D तो कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ले लो ब्रैकेट में, इसको भी ले लो ब्रैकेट में। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर पे ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 804.25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट 0.36 इंटू 20 इंटू 230 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पूरा का पूरा हम एक साथ भी ले सकते हैं कैलकुलेटर पे। क्या किया हमने, ब्रैकेट लिया सबसे पहले, ये तीनों टर्म्स रखी, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर डिवाइड का साइन लिया, ब्रैकेट लिया, तीनों टर्म्स ली, ब्रैकेट क्लोज किया, अब इक्वल टू दबा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 175.34। है तो इसको हम 35 mm square लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डेप्थ है, तो ये mm में आएगी इसकी वैल्यू, तो ये हमने निकाल लिया XU की वैल्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। अब स्टेप नंबर थ्री क्या है हमारी, स्टेप नंबर थ्री है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ
न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा हम ये क्यों निकाल रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को इससे कि बस सॉल्व करना है तो इसलिए सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉन्क्रीट सेक्शन है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तीन कंडीशंस होती है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ फिर से हमने कैसे पढ़ी थी उसको। ये देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अंडर रेनफोर्स सेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें XU यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन होती है XU मैक्स से यानी कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन जिसमें XU ग्रेटर देन होता है XU मैक्स से, और थर्ड होता है बैलेंस्ड सेक्शन यानी XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और उस हिसाब से हम अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स या फिर बैलेंस सेक्शन लेंगे और फिर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 70 पर IS कोड में। तो चलिए चलते हैं IS कोड में पेज नंबर 70 पर। ये मेरा जो IS कोड है इसकी प्रिंट बहुत लाइट हो गई है तो शायद आपको मोबाइल में ठीक से दिखे ना, लेकिन जब आप अपना IS कोड डाउनलोड कर लोगे मोबाइल में तो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो उसमें, ठीक है, उसकी प्रिंट क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेफर IS 456-2000 पेज नंबर 70 और क्लॉज कौन सा है, नोट है, नोट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा है, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन अजम्पशन आर एज फॉलोस। ठीक है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेड्स ऑफ स्टील है उसके लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यूज हमको दी गई है। तो देखिए अभी हमारे पास तीन ग्रेड्स होते हैं, कौन कौन से, 250, 415 और 500, और क्वेश्चन में हमको कौन सा ग्रेड दिया है, देखिए क्वेश्चन में हमको ग्रेड ऑफ स्टील क्या दिया है, Fe 415। तो Fe 415 यानी कि Fy इज इक्वल्स टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए XU मैक्स बाई D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.48। देखिए लिखा हुआ है इसमें, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से उठा लेनी है बस। तो वैल्यू क्या है फॉर Fe 415 XU मैक्स बाई D की वैल्यू कितनी है, 0.48। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, XU max की वैल्यू मिल जाएगी। XU max की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रखना है हमको, D की वैल्यू रख देनी है। तो D हमने कितना निकाला था, इफेक्टिव डेप्थ, ये देखिए D की वैल्यू हमने निकाली थी 410 mm, तो यहाँ पर हम रख देंगे 410। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे, 410 इंटू 0.48 तो हमें कितना मिल जाएगा, 196.8 mm। तो अब ये हमको क्या मिल गया, XU max मिल गया और XU मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बिगर है। तो देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, XU max बड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी है 175 और XU max की वैल्यू कितनी है 198। तो बड़ा कौन सा है, XU max, सिंस यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, सिंस XU
max is greater than xu, therefore section कौन सा हो गया हमारे पास, section is under reinforced section, section कौन सा हो गया, under reinforced section. तो अब अगर under reinforced section होता है तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, mu निकालना है, यानी कि moment of resistance निकालना है, mu की value find out करनी है. तो इसके लिए हम फिर से कहाँ पर जाएंगे, इसके लिए हम फिर से जाएंगे IS कोड में पेज नंबर 96 पर. IS कोड में पेज नंबर 96 पर देखिए क्लॉज नंबर बी, बी दिया है यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ xu बाई डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अगर xu बाई डी की वैल्यू लेस है लिमिटिंग वैल्यू से, तो यहाँ पर हमारी भी xu की वैल्यू लेस आई है लिमिटिंग वैल्यू से, तो हमको कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है mu के लिए, ये b वाला. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेफर IS 456-2000 पेज नंबर 96 क्लॉज नंबर बी. ठीक है, क्लॉज नंबर बी. तो अब उसके अकॉर्डिंग mu की वैल्यू क्या हो जाएगी, mu इज इक्वल्स टू 0.87 fy ast इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस ए एस टी एफ वाई अपॉन बी इंटू डी एफ सी के. ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है तो एम यू की वैल्यू मिल जाएगी. अब देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर क्या निकालना है हमको, एम यू की वैल्यू निकालना है. हम कहाँ से निकाल रहे हैं, पेज नंबर 96 से. बी क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 0.87 fy ast d ब्रैकेट में 1 माइनस ast इंटू fy होल अपॉन में बी डी एफ सी के. ठीक है, ये है फॉर्मूला. तो इसको अब हमको सॉल्व करना है. तो पहले तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.87 इंटू एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 415 इंटू ए एस टी हमने कितना निकाला था, ए एस टी हमने निकाला था देखिए 804.25 इंटू डी, डी कितना निकाला था हमने 410, तो 410 इंटू ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस ए एस टी अगेन 804.25 इंटू 415 यहाँ पर, और होल अपॉन में बी, बी कितना है 230 इंटू डी कितना है 410 इंटू एफ सी के कितना है 20. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, इसको अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ मैं. तो ये अब हमको सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है और उसके मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले को सॉल्व करेंगे. अब इसको क्या करना है, हमको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है. तो बिल्कुल आराम से बिना डरे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे. देखिए सब लोग दिख रहा है क्लियरली, तो ब्रैकेट पहले तो 804.25 इंटू 415 ये किया, इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, है ना, ये इसके डिवाइड में है तो डिवाइड का साइन, ब्रैकेट ब्रैकेट ले लेंगे और सबको एक साथ लिख देंगे 230 इंटू 410 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये मिल गया, है ना. अब यहाँ पर माइनस वन है, मतलब वन में से ये पूरी क्वांटिटी माइनस करनी है हमको. चलिए मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ, 0.87 इंटू 415 इंटू 804.25 इंटू 410 इंटू
वन माइनस, और ये आंसर क्या आया हमारा इसको सॉल्व करके, 1.769, ठीक है, 1.769। फिर से सॉल्व कर लेते एक बार, 804.25 इंटू 415 डिवाइड बाय ब्रैकेट 230 इंटू 410 इंटू 20, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1.769, कैलकुलेटर दिख रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसको फिर से अपन क्लियर करके 1 में से माइनस करेंगे, अपन डायरेक्टली इसमें से ही माइनस 1 कर देते, तो माइनस में आ गया आंसर, है ना। और इंटू माइनस 1 कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पूरे आंसर को इंटू माइनस 1 कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कर दिया माइनस 1, ये देखिए पॉजिटिव बन गया, है ना। अब क्या करना है, ये सारी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू 804.25 इंटू 410, तो ये हो गया आंसर, हमको मिल गया। अब ये देखिए आंसर कितना मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट्स में आंसर मिला है। तो अब इतना बड़ा आंसर हम अगर लिखेंगे तो थोड़ी कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ENG का बटन है, ENG यानी इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये देखिए शॉर्ट में हो गया, शॉर्ट में क्या हुआ, ये 97.98 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। क्या आ गया ये, 97.98 इंटू 10 की पावर 6। और हमने ये पूरा किस में सॉल्व किया है, न्यूटन और mm में सॉल्व किया है, है ना। मोमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन mm में होती है, किलो न्यूटन मीटर होती है, यही होती है मोमेंट की यूनिट। और ये सारी जो वैल्यूज़ थी, AST mm स्क्वायर में था, BMM में था, ये भी mm में था, तो यूनिट में क्या होगी, न्यूटन mm। और न्यूटन mm को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना होगा किलो न्यूटन मीटर में, तो वो क्या हो जाएगा, 97.98 किलो न्यूटन मीटर। कैसे होगा, क्योंकि 10 की पावर 6, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, तो कितना हो गया, 1000 और 1000, 10 की पावर 6 हो गया। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, समझ में आया सभी को। तो ये हमने निकाल लिया mu, जो हमको फाइंड आउट करना था। क्या किया हमने, आई होप आप सब लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। क्या किया था हमने, फिर से देख लेंगे एक बार। हमको डाटा गीवन था, तो हमने सारा गीवन डाटा लिख लिया पहले, b दिया था, d दिया था, नंबर ऑफ बार्स दिए थे, डायामीटर दिया था, FCK यानी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया था, FY यानी ग्रेड ऑफ स्टील दिया था, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, फिर इफेक्टिव कवर दिया था, तो हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाल दी। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पर दिया है हमको, IAS कोड में पेज नंबर 96 पे। तो सारी वैल्यूज पुट अप करके हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU निकाल लिया। फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो भी कैसे निकाला हमने, पेज नंबर 70 पर वैल्यू दी है ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, अलग अलग ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए, तो XU मैक्स हमको मिल गया। फिर इन दोनों वैल्यूज से हमने देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्शन कंसिडर कर लिया। XU मैक्स बड़ा था XU से, तो कौन सा सेक्शन आ गया, अंडर इन्फोर्स्ड। फिर अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना था, तो उसका फॉर्मूला भी कहाँ पर दिया है, IAS कोड में पेज नंबर 96 पर। तो वो फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज रख दी, तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो। थैंक यू।